आप आप पहले पहले कैसे आप लोग ठीक है? हैं खैय से कैसा टाइम गुजर रहा आप लोगों का पता चला है मुझे साठ दिन हो गए उम्मीद दिन दिन नहीं थी इतना टाइम रुक जाएंगे आज ही हम लोग बाहर बैठ के बात कर रहे थे कि अब होना शुरू हुई है तो अब खत्म होने के दिन आ गए जैसे ही दिल लगने लगता है सफर खत्म हो जाता है अब ये वही है नई लग, जिंदगी तो आपको मिली है याद भाई फैजान भाई के आने के, आने के बाद <laughs> देखा है मैंने समझा के गए आपको तो मुझे लग रहा है कि आपने बोलना शुरू कर दिया है तो चले अच्छा है गुड टू सी यू कि आप दोबारा वापस आए गेम में दानिया आप कैसी हैं ठीक है खैरियत से अच्छा लग रहा है कि आपने दोबारा कम किया है लग रहा है आपको अच्छी बात है कि आपने कम किया है और अकील भाई आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं जबरदस्त और काफ़ी आपकी फैन फॉलोइंग जारी है तो सब ठीक है ना तबीयत वगैरह सब सेट है आप ठीक ठाक पहले तो आपसे मिल के मुझे बेहद खुशी हुई है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बहुत शुक्रिया और तमाशा के तवसल से मैं आपसे मिला ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है सर थैंक यू सो मच तो मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो ओबियसली जब मुझे पता चला कि यार तमाशा में आना है तो मैं ज़रा फॉलो कर रहा था कि और चीज़ें क्या होती हैं तो मेरी भांजी ने मुझे बताया कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है लड़कियों में बहुत ज़्यादा है चला अच्छी बात है लेकिन मस्तियाँ तो सामा आपकी बहुत अच्छी नहीं बच्चे बड़े फ़ैन हो रहे हैं आपके थैंक यू किड्स आपने बोला किसके बच्चे चॉकलेट खिला के जो बच्चे कमेंट पास कर रहे हैं वो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ चॉकलेट टॉफिया नहीं लेकिन ये देखें आपका अच्छा जा रहा है जो आपका यहाँ पे है लोग हालांकि लोगों ने देखा है कि आपसे लोग डरते हैं बहुत दूर भागते हैं लेकिन ये कि लोगों को बहुत पसंद किया जा रहा है बाहर आउटसाइड जो है ना तो आपका वो माशाल्लाह जबरदस्त जा रहा है बहुत थैंक यू आप ठीक है जी मैं बिल्कुल आप, हूं। आप सब ठीक चल रहा है आपका पहले भी ठीक ही था तो अभी भी ठीक ही है अच्छा तो सलाम भाई आपसे एक सवाल पूछना है मुझे जी पर आप फर्ज कर लें तो क्यूँकी आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है जी जी और फाइनल में आप और अकील जो है वो दोनों साथ हो जी और आपको ऑप्शन दी जाए कि आप जो है वो आप जीत जाए या यही जीत जाए तो आप क्या करेंगे मैं जीतूंगा अच्छा बात गेम अपना अपना भाई मैं जीतूंगा बात ये है मेरी ख्वाहिश है कि मैं और ये फाइनल में हाथ पकड़ के खड़े हूँ अच्छा लेकिन अपनी ट्रॉफ़ी कोई नहीं देता वो तो कभी भी नहीं आ, दूंगा हमारे लिए बड़ी बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है थैंक यू भाई देखिए मेरे ख्याल से तो अब आप सातों लोग जो है ना यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप उस लोग विनर ही हैं और उम्मीद करते हैं जो भी सबसे बेस्ट खेले वो यहाँ से जो है वो तमाशा की ट्रॉफ़ी जीत के जाएँ तो यू ऑल द बेस्ट थैंक यू अच्छा जाने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है वो गेम खेल के देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को तो अरसलान भाई आप जाएँ कंसेशन रूम में वो लेके आएँ फोल्डर लेके आइए प्लीज़ कुछ गेम है जो आप लोगों को अपने आप आप लोगों ने अपनी अपनी, अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है इस पूरे जितना आपका टाइम यहाँ पे गुजरा है तो उसके बारे में सिक्सटी वन डेज और हो गए तो अभी आता है तो फिर उसमें असलान भाई पढ़ के आपको सुनाते हैं तो आपको थोड़ा, है। थोड़ा बहुत आइडिया हो भी जाएगा अब घर में सिर्फ सात लोग बाकी रह गए हैं आप लोग गुज्तर दो महीनों से एक एक लम्हा एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं दो महीने का अरसा एक दूसरे की सलाहियतों को जानने के लिए काफ़ी है लेकिन देखना ये है कि क्या घर के अंदर रहने वाले वो देख पा रहे हैं जो घर के बाहर मौजूद आवाम देख रही है इसी का अंदाज़ा लगाने के लिए आप लोगों के बजर बजते ही एक खेल खेला जाएगा आप तमाम लोगों को बाहमी मुशावरत से एक से सात तक एक दूसरे की दर्जा बंदी करनी है इस दर्जा बंदी का फ़ैसला आप इन बुनियादों पर करेंगे किसने सबसे ज़्यादा घर के काम किए किसने सबसे बेहतर अंदाज़ में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाईं कौन सबसे ज़्यादा घर के मामूल में इन्वॉल्व रहा किसने सबसे ज़्यादा इंटरटेन किया किसने सबके साथ मिलकर और अकेले भी अपनी पहचान बनाई जो घर के हर मसले में आगे आगे रहा फिर चाहे वो राशन का बेहतर बजट बनाना हो या असूलों की पासदारी करवाना हो वज़ारत के बग़ैर भी कौन था जिसने घर को बेहतर अंदाज में संभाला गर्ज़ ये कि कौन था जो हर एतबार से इस घर में नुमाया रहा जो भी आप लोगों के नज़दीक इन अमूर को सामने रखते हुए सबसे बेहतर खिलाड़ी है आप इसे नंबर वन करार देंगे जो इससे कम उसे नंबर टू जो इससे कम नंबर थ्री और इसी तरह जो फ़र्द आप लोगों के नज़दीक सबसे ग़ायब रहा इसे आप लोग नंबर सेवन पर रखेंगे याद रहे कि यह बंदी बाहमी मुशावरत से होगी और अगर किसी फ़र्द के दर्जे पर इतफ़ाक़ ना हो रहा हो तो फ़ैसला जमूरी तरीके से यानी वोटिंग से होगा देखना यह है कि क्या आप लोग भी अंदर रह कर वो देख पा रहे हैं जो बाहर आवाम देख रही है या नहीं देखिए ओबियसली ये गेम ऐसा ही है कि ज़िंदगी में जो है ना आपकी सेल्फ असेसमेंट जो है ना बहुत जरूरी है हम लोग भी जब कैम्प करते हैं ना तो आखिर में वो ये हमें ये बताते हैं कि यार आप लोगों ने ये कैम्प किया क्रिकेट का एक महीने का कैंप लगाया या पच्चीस दिन का कैम्प लगाया हम लोग आर्मी कैंप में जाते हैं तो वो हमारी सेल्फ असेसमेंट करते हैं उसके बाद कि हमने क्या सीखा हमें कौन सी ऐसी खामियाँ थी जो हमें नज़र आईं या कौन सी ऐसी इंप्रूवमेंट थी जो हमने किए तो ओबियसली ये आपके लोगों के लिए भी वही गेम इन्होंने लिया है और एक्सरसाइज है छोटी सी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भाभी मशावरत से और इसको हल करेंगे कोई फाइटिंग नहीं होगी कोई लड़ाई नहीं होगी और एक से लेकर तक मुझे उम्मीद है कि सबकी रैंकिंग आ जाएगी कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है मेरे ख्याल से ये खेल आप लोग जो है मेरे जाने के बाद खेलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा किसी को एक चिचाट भी नहीं होगी और सुकून से आप लोग खेल लीजिएगा और बदर बजते ही खेल ये जो शुरू हो जाएगा वो ठीक है चलें फिर आप लोग ये गेम खेलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ठीक है चलें और जाते जाते एक के आप सब लोग जो है विनर है और अच्छा अच्छा खेले और कोशिश करें जो आपका आखिरी टाइम है उसको अच्छे से गुजारे और पब्लिक आप लोगों को पसंद करिए दोबारा एक बार फिर मैं कहूँगा और बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो बेहतर होगा वो उसमें से वो जीत के जाएगा thank आपने वोट करना नहीं भूलना आप भी वोट कीजिएगा चले चले यू ऑल द बेस्ट और आप सबके बहुत सारे फैंस बाहर बन चुके हैं ठीक है थैंक थैंक यू यू